दिल्ली के दिलकश अंदाज दिल्ली से निकले हैं। दिलवालों की दिल्ली से दिशा पटानी दिल लगाने के भी नए सबक लेकर लौटी हैं। किसी को पता नहीं है कि टाइगर श्रॉफ और दिशा के बीच ऐसा क्या हुआ कि दोनों को अलग अलग दिल लगाने की नौबत आ गई। लेकिन अमरउजाला.com आपको बताने जा रहा है रिश्तों की इस इनसाइड स्टोरी के असली पेच। हिंदी सिनेमा कैंप्स में काम करता है ये तो हिंदी सिनेमा का हर दर्शक जानता है, और इन कैंप्स में सबसे तगड़ा कैंप है दबंग सलमान खान का। दिशा पटानी की लव स्टोरी के इंटरवल तक का हिस्सा भी इसी कैंप में लिखा गया है। बात बिगड़नी शुरू हुई बागी 3 की प्री प्रोडक्शन मीटिंग से। फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की दिशा पटानी के साथ एक होटल की पार्किंग में चली लंबी मीटिंग की खबर हम आपको पहले ही दे चुके हैं। इस मीटिंग से ही निकला था दिशा की एग्जिट का फॉर्मूला। दिशा के करीबी बताते हैं कि दिशा को कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि एक हिट फ्रेंचाइजी से जब उनका नाम हटेगा तो टाइगर श्रॉफ उनकी बिल्कुल मदद नहीं करेंगे। यही नहीं, जब दिशा का एक और बड़े स्टार के साथ पंगा हुआ तो भी टाइगर शांत रहे और दिशा के सपोर्ट में वो सामने आने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाए। दोनों एक्टर अब साथ हैं और दिशा दोनों की लाइफ से बाहर। लेकिन दिशा को इस कॉम्प्लिकेटेड लव लाइफ से मूव ऑन करने का आइडिया किसका था, क्या आप जानते हैं? नहीं ना, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दिशा पटानी को मिला है फिल्म इंडस्ट्री का वो मेंटोर जिसकी छत्र छाया में आने का ख्वाब हर हीरोइन का होता है। खबर है कि दिशा ने अपनी पूरी प्रेम कहानी हिंदी सिनेमा के प्रेम यानी सलमान खान को सुना दी है। सलमान खान ने ही दिशा को सलाह दी कि यहाँ करियर किसी के सहारे नहीं बल्कि खुद अपने दम पर बनाना होता है। सलमान ने दिशा की पूरी दिक्कतें सुनने के बाद न सिर्फ रोने के लिए अपना कंधा दिया बल्कि दिशा की साइकोथेरेपी भी की। सलमान ने दिशा को हर तरह की मदद करने का भरोसा भी दिया है और अपने खास प्रोड्यूसर से दिशा का ख्याल रखने की बात भी की है। इन प्रोड्यूसर्स में सबसे ऊपर नाम आता है हिट फिल्मों के मास्टर संजय लीला भंसाली का। सूत्र बताते हैं कि सलमान की संजय लीला भंसाली के साथ बनने वाली अगली फिल्म में दिशा पटानी का अहम रोल हो सकता है। इस बारे में बातें आगे बढ़ी हैं। हालांकि भंसाली का प्रोडक्शन हाउस और सलमान खान फिल्म्स इस बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com मुंबई।